तो दोस्तों शुरू करते हैं मंडी परिषद का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति को पूरा फुल डिस्कस करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका बाहर नहीं जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या लोअर PCS में आए हुए हैं या फिर किसी अन्य स्टेट PCS में आए हुए हैं। तो कुछ भी छोटा मोटा या फिर कोई भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में नहीं है। तो ये आपके जो वीडियो है, आने वाला एग्ज़ाम है मंडी परिषद, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि ये सब तो आप लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता से क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, यानी हड़प्पा जो है किस सभ्यता में था या किस सभ्यता से संबंधित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, अब आपको ये बताना है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है। तो ऑप्शन देख लीजिए, अगर आप चुनते हैं आर्ध ऐतिहासिक युग तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, आद ऐतिहासिक युग। ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि आद ऐतिहासिक युग उस युग को कहा जाता है जिसकी लिपि तो मौजूद हो पर उसे अभी तक पढ़ा ना गया हो। तो बिल्कुल ऐसा ही है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो है पर हम लोग अभी तक उसके बारे में मतलब पूरी तरीके से उसे पढ़ नहीं पाए हैं, उसकी कोई भी जानकारी हमें उस लिपि के माध्यम से नहीं मिली है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, आद ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग में 2 बार पूछा जा चुका है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर समानता किस रंग का प्रयोग हुआ है, यानी हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन पर समानता किस रंग का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए लाल तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि लाल रंग के बर्तन जो थे जिन्हें मृद भांड कहा जाता था वो वहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद थे ऐसा माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, गाय का, क्योंकि गाय का कोई भी चित्र आपको नहीं मिलता है मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों पर। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों है, क्योंकि गाय जो थी वो पवित्र पशु थी आर्यों के लिए और सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पहले की है। उस समय गाय को कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था और इसीलिए उसका कोई भी जिक्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों या टेराकोटा की कलाकृतियों पर नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और ये IAS प्री का क्वेश्चन है सन 2001 का। एक जुते हुए खेत की खोज की गई, आपको बताना है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के ये सारे नगर हैं, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर एक जुता हुआ खेत मिला है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग भी खेती करते थे। तो ऑप्शन देखिए, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कालीबंगा जो अब राजस्थान में है वहाँ एक जुता हुआ खेत मिला है जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग भी खेती करते थे। सैंदव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, एक बहुत विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है दोस्तों और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है आपको बताना है। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है महान स्नानागार सैंदव सभ्यता का। दोस्तों इसकी क्या लंबाई चौड़ाई थी अगर आप लिखकर बता सकते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, आपको बताना है कौन सा नगर जो है सुमेलित नहीं है। दोस्तों आलमगीरपुर की बात कर लें तो आलमगीरपुर अब उत्तर प्रदेश में है, यानी पहला जो है ऑप्शन सुमेलित है। लोथल, लोथल एक जो था गोदीवाड़ा था और यानी ये कहा जाए कि एक समुद्री पोर्ट था और ये गुजरात में था, तो ये भी बिल्कुल सही है। रोपड़, रोपड़ एक जगह है पंजाब में, बिल्कुल सही है, रोपड़ भी जिला जो था सिंधु घाटी सभ्यता का पंजाब में था। कालीबंगा, कालीबंगा दोस्तों हरियाणा में नहीं था, कालीबंगा था राजस्थान में जहाँ एक जुता हुआ खेत मिला है जिससे हमें पता चलता है कि खेती वहाँ होती थी, तो कालीबंगा था राजस्थान में। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान में था। अब चलते हैं आगे।
हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर, आप सभी लोग जानते हैं आलमगीरपुर जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था और उत्तर प्रदेश में था। बनावली, बनावली था हरियाणा में, बिल्कुल सही है। और दयामाबाद, दयामाबाद महाराष्ट्र महाराष्ट्र में था। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी दोस्तों राजस्थान में नहीं था। ऑप्शन डी बिल्कुल जो है गलत हो सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है तो उस हिसाब से राखीगढ़ी बिल्कुल सही हो जाएगा। राखीगढ़ी दोस्तों था हरियाणा में। ऑप्शन डी जो है राखीगढ़ी ये भी हरियाणा में था और बनावली भी हरियाणा में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चलते हैं आगे। चूहनदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, मतलब आपको बताना है कि ये जो जिला था, ये राज्य जो था सिंधु घाटी सभ्यता का नगर, इसका उत्खनन यानी इसकी खुदाई जो है किसने की थी। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, इस अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जे.एच. मैके ने इसकी जो है खुदाई कराई थी, चहुंदड़ों की खुदाई करवाई थी जे.एच. मैके ने, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये लोअर सबॉर्डिनेट एग्जाम का है, आप सभी लोगों ने लोअर पीसीएस का फॉर्म भर रखा है सन 2015 का, और मंडी परिषद का लेवल भी उससे कुछ कम नहीं है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 2015 में ही ये क्वेश्चन आया है, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बंटवारे के बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नगर पाकिस्तान में चले गए हैं। और ऑप्शन देखिए, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा जो है नगर सिंधु घाटी सभ्यता का, वो अब पाकिस्तान में है, बाकी जो है वो भारत में है, जैसे कालीबंगा है राजस्थान में, लोथल है गुजरात में, और आलमगीरपुर है यूपी में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, आप सभी लोगों को मालूम है लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा स्थलीय पुरास्थल है, आपको बताना है ये कहाँ का है, जम्मू का है, पंजाब का है, हरियाणा का है या उत्तर प्रदेश का है। तो दोस्तों अगर आप चुनते हैं ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये पंजाब राज्य का है, दधेरी पंजाब राज्य का है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मेंस में आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, या फिर मातृशक्ति में। तो आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नारी जाति का जो था विशेष सम्मान किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है, तो आपको बताना है कौन से वो दो भारतीय हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा है। ऑप्शन देखिए, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी और दयाराम सहानी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। राखल दास बनर्जी और दयाराम सहानी का महत्वपूर्ण योगदान है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि कुछ नगर है सिंधु घाटी सभ्यता के जो पाकिस्तान चले गए हैं, उनमें से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो नगर हैं जो पाकिस्तान में है, और मोहनजोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल पर घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? आपको बताना है कि घरों में जो है कुएं के अवशेष मिले, यानी घरों में जो है सबके पास एक अपने कुएं थे, निजी कुएं थे। तो ऑप्शन देख लीजिए, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो में जो ऐसा नगर है वहाँ पे प्रत्येक घर में कुएं के अवशेष मिले हैं, यानी ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है घरों में उसके अपने पर्सनल कुएं थे, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा
हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा ये संदर्भ में मिला है। आपको बताना है हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है, कालीबंगा में, लोथल में, धोलावीरा में या बाणावली में। तो आपको बता दें ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, लोथल में मिला है, लोथल में मिला है हाथी दांत का पैमाना, और लोथल जो है ये गुजरात राज्य में स्थित था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, मतलब ऐसी कौन सी धातु थी दोस्तों जो हड़प्पा कालीन सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है। ऑप्शन देख लीजिए, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लोहा ऐसी धातु है जो हड़प्पा कालीन स्थलों में प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि उस समय के लोगों को यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे का प्रचलन आया है आर्य सभ्यता से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की जो है प्राप्ति नहीं हुई है। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो कहाँ है, आपको बताना है धोलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। अगर आप चुनते हैं ऑप्शन ए गुजरात तो बिल्कुल सही है, धोलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है, और ये अपनी पानी के विशेष प्रबंध के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो पानी का मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत अच्छा था धोलावीरा में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सॉरी दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यहाँ पर गुजरात राज्य में। मैं एक बार फिर से आपको ये बता देता हूँ कि धोलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, और यहाँ पर पानी का जो सिस्टम था मैनेजमेंट का वो बहुत अच्छा था। तो धोलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हड़प्पय नगर तीन भागों में विभक्त है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नगर था जो तीन भागों में विभक्त था। तो ऑप्शन देख लीजिए, अगर आप चुनते हैं ऑप्शन सी धोलावीरा तो बिल्कुल सही है, ये ऐसा नगर था दोस्तों जो तीन भागों में बना हुआ था, निचला भाग, ऊपरी भाग और मध्य का किला, इस तरीके से ये डिवाइड था, और धोलावीरा जो था ये तीन नगरों में विभक्त था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अगर ये आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि मंडी परिषद का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक है, और ये समय है आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का, और इस समय आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं उन्हें सॉल्व करिए। हमारे जो यूट्यूब चैनल है BSAT की क्लासेस, इस पे प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो बहुत सारे जो हैं मंडी परिषद के प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों ने करा रखे हैं वो आपको मिलेंगे। तो उन्हें आप अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का BSAT की क्लासेस से जुड़ने के लिए।